लोग बैठे हैं, 200 दिन पूरे हो गए, दुख होता है देख के। सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को ही दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद हम ऐसी जगह से निकले, हम जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते थे कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है, हमारी हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुझे जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको हर वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को ही दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद हम ऐसी जगह से निकले, हम जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते थे कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है, हमारी हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुझे जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको हर वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में।